नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों बिहार SI मेंस का जो रिजल्ट है वो आज प्रकाशित कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, 2019 में इसकी नोटिफिकेशन निकली थी, 2019 में PT एग्जाम भी हो गया था दोस्तों, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी जो मेंस एग्जाम है उसमें लेट हो गया, डिले हो गया। और इसका जो फाइनली मेंस एग्जाम है दोस्तों वो 29 सितंबर 2020 को दोस्तों दो शिफ्ट में ले लिया गया है, यानी दो शिफ्ट में इसका मेंस एग्जाम लिया गया। दोस्तों अगर बात करें तो मेंस में करीब 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठे थे दोस्तों, यानी PT में करीब 50,072 अभ्यर्थी का चयन किया गया था मेंस एग्जाम के लिए, और मेंस में करीब 50,000 से ज़्यादा ही अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और मुख्य परीक्षा जो है 29 सितंबर 2020 को लिया गया, और इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, यानी मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आज ही प्रकाशित किया गया है। तो हम यहाँ पूरा रिजल्ट देखेंगे, कट ऑफ मार्क्स क्या रहा दोस्तों मेंस का वो देखेंगे, और इसका फिजिकल एग्जाम कब होने वाला है वो भी हम लोग डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि कितने कितने कैंडिडेट शामिल हुए, कितने जो है वो एबसेंट रहे, तो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कौन से सीट में कितने कैंडिडेट शामिल हुए, पूरा डिटेल दिया गया। आप लोग इसे देख लें, आप लोग इसे PDF डाउनलोड करके देख लें। हालांकि मैं PDF का जो लिंक है वो मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अपने टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा इस PDF को दोस्तों। तो आप लोग चाहो तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा वहाँ से बहुत ही आसानी से इसके PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं दोस्तों। कट ऑफ की अगर बात करें तो आप लोग कट ऑफ देख सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि बिहार SI मेंस एग्जाम जो होता है उसमें टोटल दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है दोस्तों वो हिंदी का होता है, जनरल हिंदी का होता है, जो 200 मार्क्स का होता है, 100% होते हैं उसमें, 100% 200 मार्क्स का होता है। और जो पेपर टू होता है दोस्तों वो भी 200 मार्क्स का होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो मेरिट होता है दोस्तों वो पेपर टू पे ही बनाया जाता है, यानी 200 मार्क्स का होता है दोस्तों पेपर टू, उस पर ही यहाँ पे मेरिट बनाई जाती है। पेपर वन की अगर बात करें दोस्तों तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है पेपर वन दोस्तों, 33% आपको लाने होते हैं। बात करें जनरल कैटेगरी मेल की बात करें दोस्तों तो 200 में से 51.6 यानी 151.6 मार्क्स लाने हुए दोस्तों, यानी अगर परसेंटेज की बात करें तो 75.8 जैसे, या परसेंटेज में बात करें तो करीब 76% जो है दोस्तों वो मार्क्स लाने पड़े जनरल के लिए, जनरल मेल के लिए दोस्तों। अगर EWS की बात करें तो 142.8 नंबर यानी 71.4% मार्क्स। इसी में दोस्तों अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, 200 में से 123.8 यानी 61.9% जो है वो मार्क्स लाने पड़े। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया गया दोस्तों, आप लोग देख लें इस PDF को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई रहा दोस्तों, 75.8 मार्क्स कम नहीं होता है 200 में से, तो ये परसेंटेज लाना पड़ा दोस्तों, ये रहा कट ऑफ, आप लोग देख लें इसे, और मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा दोस्तों। अगर आगे हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका जो फिजिकल एग्ज़ाम है, जिससे फिजिकल एग्ज़ाम जो है वो भी हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें कब होगा तो देखिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि मुख्य परीक्षा में चयनित अन्य कोटि के अभ्यर्थी, यानी जो जनरल कैटेगरी जो भी है दोस्तों, यानी 453 अभ्यर्थी जो पूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी एक्स सर्विसमैन को छोड़कर, जो और टोटल 15,231 छात्र जो हैं, उन सभी का अगर बात करें तो फिजिकल जो है यानी PET जो है दोस्तों वो मार्च अप्रैल 2021 में होने की संभावना है, जिससे यहाँ पे कन्फर्म नहीं, संभावना बताई जा रही है कि मार्च अप्रैल 2021 में जो है वो फिजिकल टेस्ट जो है वो इन लोगों का सबका हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें तो फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड है, या कॉल लेटर भी कह सकते हैं उसे, तो ये जो दोस्तों वो ईमेल और SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और टोटल जो 453 एक्स सर्विसमैन और 15,231 जो जनरल अभ्यर्थी हैं, उन सभी को जो है वो SMS और मेल के जरिए जो है वो लेटर, कॉल लेटर सेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो रिजल्ट दिया गया, रोल नंबर वाइज रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हो। हालांकि मैं PDF तो सेंड कर ही दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो ये आप लोग देख लें दोस्तों, PDF डाउनलोड करके देख लें। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।